सावन के आखिरी सोमवार भगवान शिव जी को चढ़ाएं ये 10 फूल, मिलेगा पूजा का संपूर्ण फल। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव जी को कुछ फूल जरूर अर्पित करें। पूजा पाठ में फूलों का अलग महत्व है और सभी अनुष्ठानों में फूल अर्पित किए जाते हैं। मान्यता अनुसार कुछ फूलों को शिवलिंग या शिव प्रतिमा पर अर्पित करने से सावन के महीने में पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे भी यदि आप शिव जी के भक्त हैं तो आप किसी भी सोमवार के दिन भी ये फूल उनको अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सावन में एक अलग विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि सावन में कौन से फूल शिव जी को अर्पित करना फलदायी होता है। धतूरे का फूल। धतूरा एक जंगली फूल है और ऐसा माना जाता है कि यह पौधा शिव जी को बहुत प्रिय और बहुत पसंद होता है, इसलिए इस पौधे को भगवान शिव जी पर चढ़ाने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खास तौर पर सावन में शिवलिंग पर यह फूल जरूर चढ़ाएं। सफेद मुकुट का फूल। सफेद मुकुट का फूल यह एक तारे के आकार का फूल होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर इस फूल को भगवान शिव जी को चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। पराजिता या हर सिंगार का फूल। पराजिता का फूल रात में खिलने वाला फूल है और उसे भगवान शिव पर अर्पित करने से भक्त को सुख एवं वैभव में वृद्धि होती है। यह फूल देवताओं के लिए उपयुक्त माना जाता है और शिव जी के सर्वप्रिय फूलों में से यह एक फूल है। अपराजिता का फूल। अपराजिता का पौधा घर के लिए बेहद शुभ माना जाता है और ऐसा मान्यता है यह फूल शिव जी पर चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में यह फूल चढ़ाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शमी का फूल। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा घर के बाहर लगाने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि शमी का फूल शिवजी को चढ़ाने से भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगस्तस्य का फूल। सावन के महीने में अगस्तस्य फूल भगवान शिव को चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और यश कीर्ति में भी बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल का नाम अगस्तस्य मुनि के नाम पर पड़ा है। कनेर का फूल। कनेर का फूल सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी रंग का होता है, लेकिन सफेद और पीले रंग का कनेर भगवान शिव को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चमेली का फूल। चमेली का फूल बहुत ही सुगंधित फूल होता है और सफेद रंग का और छोटे आकार का होता है। यह फूल प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इस फूल को भगवान शिव जी को पूरी भक्ति के साथ अर्पित करता है तो उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र होती है। सफेद कमल का फूल। ऐसा माना जाता है कि सफेद कमल का फूल शिव जी को चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है और भक्तों को पूजा का फल भी मिलता है। कमल आमतौर पर सफेद और गुलाबी रंग का होता है, लेकिन सफेद रंग शिव जी का मनपसंद रंग है, इसलिए इसी रंग का कमल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। बेला का फूल। सावन में बेला का फूल भगवान शिव जी को अर्पित करने से विवाह संबंधित बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप जीवन साथी की तलाश में हैं तो यह फूल चढ़ाने से तो जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यह फूल चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं। यदि आप सावन के महीने में पूजा के समय शिव जी पर यह फूल अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल मिलता है और आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे औरों के साथ भी शेयर जरूर करें। वह इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमसे आज ही जुड़ जाएं। अतः आप सभी मित्रों पर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।